इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी मतलब हम लोग बात किए ना, एनर्जी जो होता है पैकेट में एब्जॉर्ब होता है, रिलीज होता है ना, उसका एविडेंस क्या है, प्रूफ कैसे है। उसका प्रूफ जो आता है क्वांटम मैकेनिक्स आता है, स्पेक्ट्रम से आता है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम हम किसको, तो स्पेक्ट्रम समझने के लिए पहले हम लोग डिस्पर्सन पढ़ लिए हैं, तो डिस्पर्सन समझ में आना चाहिए। तो डिस्पर्सन क्या होता है, जब भी लाइट को हम किसी भी प्रिज्म से पास कराते हैं, वाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करेंगे तो वो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। तो किसी भी कलर का रहेगा लाइट, अगर हम उसको प्रिज्म से पास कराएंगे तो सब 7 कलर में स्प्लिट नहीं होगा, जिसमें जितना कलर रहेगा उतना ही। जब हम वाइट लाइट पास कराएंगे तो वो 7 कलर में स्प्लिट होगा, लेकिन बाकी जो कलरफुल लाइट्स है उसको जब हम प्रिज से पास कराएंगे तो ज़रूरी नहीं है 7 कलर्स में नहीं आएगा, वो कम या 3 में 4 में से स्प्लिट। तो जो भी अदर्स कलर देख रहे हो वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ही। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स है, इस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिज्म से पास कराने के बाद वो एक पर्टिकुलर वेव लेंथ के रेंज में अरेंज हो जाता है। अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे 7 कलर्स का, तो सबसे ऊपर में क्या है, रेड है ना, रेड कलर का वेव लेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, तो घटता हुआ है ना, रेड से इंडिगो ब्लू ऐसे करके आ रहा है ना, तो रेड से डिक्रीज हो रहा है, यानी वेव डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ में वो अरेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ में अरेंज हो रहा है। ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है अरेंजमेंट का, जिसको कि हम स्क्रीन पर लेते हैं, एक ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है स्प्लिटिंग ऑफ कलर, लाइट का स्प्लिट करने के बाद जो स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है, उसका जो फोटोग्राफ्स आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है, अकॉर्डिंग टू द वेव लेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ में अरेंज है, उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम, स्प्लिट करने के फिनोमिनन को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। लाइट एनर्जी को या और भी कोई एनर्जी, लाइट स्प्लिट होता है हमको दिखाई पड़ता है, इसलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ऐसा भी एनर्जी है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता, वो भी स्प्लिट होता है, उसको भी जब हम पास कराएंगे तो वो भी स्प्लिट होगा और वो भी अरेंज होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेव लेंथ में जो एक पैटर्न मिलता है डिफरेंट वेव लेंथ वाला लाइट का, उसका जो है पैटर्न को ही हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। आगे बसन में तो जो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज है ना रेडिएशन, जो पैटर्न मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन के बाद स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्क्रीन के ऊपर हमको स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, लेंस से जो प्रिज्म से पास कराने के बाद हम उसको स्क्रीन के ऊपर लेते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर वो हमको पर्टिकुलर पैटर्न दिखाता है कलर्स का, कलरफुल रेंज में कलर का दिखाएगा, बाकी चीज़ दिखाएगा नहीं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारा अलग इंस्ट्रूमेंट है जो डिटेक्ट करेगा, जो इनविजिबल है वो तो हम आँख से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, आँख से डिटेक्ट सिर्फ करेंगे विजिबल है। आगे बस समझ में है, तो डिस्पर्सन समझ में आ गया, स्पेक्ट्रम क्या होगा समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, जब तक डिस्पर्सन नहीं होगा स्पेक्ट्रम नहीं बनेगा, पहले डिस्पर्सन होगा तब स्पेक्ट्रम मिलेगा हमको, डिस्पर्सन ही नहीं होगा तो स्पेक्ट्रम कैसे मिलेगा, इसलिए हमको ये दोनों को एक साथ दिमाग में रखना है। ठीक है, डिस्पर्सन नहीं होगा तो सब व्हाइट लाइट है, येलो लाइट देख रहे हैं तो येलो दिखेंगे, येलो जैसे है चार तरह के कलर से बना हुआ है, तो जब येलो लाइट का तुम स्पेक्ट्रम तैयार करोगे तो उसमें चार कलर मिलेगा, उसको जब पास कराओगे प्लीज उसे तो वो चार कलर में जो है बढ़ जाएगा, समझ गए ना, इसी तरह सब बढ़ता है, जो भी मिक्स कलर होता है वो बढ़ जाता है, जो प्योर कलर है वो नहीं बटेगा। आया बात समझ में, क्लियर, तो अब स्पेक्ट्रम तो समझ में आ गया, तो स्पेक्ट्रम दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ये जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है
ये डायरेक्टली लाइट एनर्जी जब पास करता है ना, जैसे रेनबो, रेनबो है ना, जब डायरेक्टली लाइट को हम पास करा देते हैं प्रिज्म से, तो उसमें क्या होता है, कहीं बाउंड्री बता सकते हो कि सबसे ऊपर मैं रेड रेनबो देगा ना, जब प्रिज्म से हम पास कराएंगे व्हाइट लाइट को तो रेनबो बनता है, बनता है ना, और रेनबो बारिश में मिलता है आफ्टरनून के बाद, बारिश के सीजन में रेनबो बनता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के चलते आया बस में, वहाँ जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वही प्रिज्म का काम करता है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है बारिश का, है ना, जो ऊपर में फंसा हुआ है अभी गिरा नहीं है जमीन पर, वही ना काम करता है प्रिज्म का, तो वहाँ रेनबो हमको मिलता है, वही रेनबो हम लोग प्रिज्म से यहाँ भी लेबोरेटरी में बना देते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर में रेड रहता है ना, है? सबसे ऊपर में क्या रहता है, तो हम लोग वी आई बी है ना, जी ओ आर यही है ना, जी वाई ओ आर, इधर से देखते हैं सबसे ऊपर में रेड रहता है, ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो वाइट, सबसे नीचे वायलेट रहता है, यही ना है, हाँ? तो रेड कहाँ पर खत्म होगा रेनबो में बता सकते हो, नहीं देख के बताना है कि रेड वहीं पर खत्म हो रहा है, बता सकते हो, नहीं बता पाओ, जब लाइट डायरेक्टली प्रिज्म से पास करता है तो हमको मिलता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, क्यों बोलते हैं कंटिन्यूअस, रेड मर्जेज इनटू ऑरेंज, ऑरेंज मर्जेज इनटू येलो, येलो मर्जेज इनटू ग्रीन, ग्रीन मर्जेज इनटू ब्लू, ब्लू मर्जेज इनटू इंडिगो, इंडिगो मर्जेज इनटू वायलेट, रेड खत्म भी नहीं हुआ है ऑरेंज शुरू हो गया, समझ गया ना, रेड और रेड शुरू पूरा डार्क है, फिर धीरे धीरे कम होगा, जहां से कम होना शुरू हुआ वहां ऑरेंज इसमें आना शुरू हो गया, एक्स में आएगा ऑरेंज पूरा आ जाएगा, रेड नजर नहीं आएगा, फिर उसके नीचे ऑरेंज अभी खत्म नहीं हुआ है येलो शुरू हो गया है, तो क्या हो रहा है, एक कलर दूसरे कलर में मर्ज कर रहा है, बाउंड्री नहीं है कि यहाँ रेड शुरू हुआ और यहाँ रेड खत्म, यहाँ ऑरेंज शुरू हुआ यहाँ ऑरेंज खत्म, यहाँ येलो शुरू हुआ यहाँ येलो खत्म, ऐसा होता है नहीं होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, तो जो तुम फिजिक्स में पढ़ते आ रहे हो अभी तक वो क्या है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, आया समझ में, तो जब लाइट एनर्जी डायरेक्टली प्रिज्म से पास करता है या रेन वाटर से पास करता है तो उसमें जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट होता है, जो डिस्पर्सन होता है, उसमें स्पेक्ट्रम हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, क्योंकि एनर्जी दूसरे एनर्जी में मर्ज कर रहा है, कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है, है ना, बाउंड्री नहीं बता सकते कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, जब लाइट डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर रहा है, जब लाइट डायरेक्टली प्रिज्म से पास कर रहा है, कोई केमिकल से पास करा के प्रिज्म पर नहीं ले जा रहा है, डायरेक्टली प्रिज्म पर ही लाइट को इंसिडेंट करा रहा है, तो हमको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है, ठीक है, और दूसरा है डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, इसमें बाउंड्री मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा बाउंड्री मिलेगा, कहाँ खत्म हो रहा है कहाँ हो रहा है, ये बाउंड्री मिलेगी, ठीक है, दो बुक दो तो इसमें दिया है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, नहीं दिया है क्या, ठीक है नहीं दिया है तो बस दिमाग में रखो रेनबो और क्या है, हाँ समझ गया है, तो अब देखो ये है ये वाला जो देख रहे हैं ना ये, हाँ ये है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ये क्या है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसमें दो तरह का स्पेक्ट्रम दिखा रहा है ना, बाउंड्री बाउंड्री दिख रहा है इसमें, सब में बाउंड्री दिख रहा है ना, इसमें पहला क्या दिखा रहा है
पहला है इमिशन स्पेक्ट्रम, पहला क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हो गया, सोर्स है वही एनर्जी को इमिट कर रहा है। तो पहले क्या करते हैं, जैसे सिंपल है कि अगर किसी चीज़ को हीट करते हैं, जैसे लोहा को हीट किया तो पहले एनर्जी खर्च होता है हीट करने में, बाद में वही आयरन जो हीट एनर्जी रिलीज करने करता है ना। खाना जब बनाते हैं तो बर्तन को हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जब वही गर्म हो जाता है चारों तरफ हीट एनर्जी वो रेडिएट करने लगता है, यानी वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है ना। दो स्टेट होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। पहले वो ग्राउंड स्टेट में रहता है, लो एनर्जी लेवल में, दुनिया का हर चीज़ अपने आप को लो एनर्जी लेवल में रहता है ताकि वो स्टेबल रहे। लो एनर्जी स्टेट में क्या होता है, स्टेबल होता है। जब उसके ऊपर हम एनर्जी दे देते हैं तो पहले वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, मतलब वो अब अनस्टेबल हो गया। जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, फिर वो एनर्जी को रेडिएट करने लगता है, एनर्जी रिलीज करने लगता है। और अगर हम हीटिंग बंद कर देंगे तो सारा एनर्जी वो धीरे धीरे रिलीज कर देगा, समझ गया ना। तो ये जब एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिलीज्ड एनर्जी का जब हम निकालेंगे स्पेक्ट्रम तो उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। तो पहले लोहा को हीट कर देंगे, उसके बाद उसको ले जाएंगे हम प्रिज्म के सामने, उसको कहाँ ले जाएंगे, प्रिज्म के सामने, प्रिज्म से उसका लाइट गुजरेगा, उसका एनर्जी गुजरेगा और सामने स्क्रीन लगा हुआ रहेगा प्रिज्म के दूसरे साइड, तो हमको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, डिसकंटिन्यूस मिलेगा, बहुत सारा ब्लैक ब्लैक लाइंस मिलेगा। ये क्यों मिला, क्योंकि कुछ एनर्जी, सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया, जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया वही रिलीज करेगा ना। यहाँ पर क्या किया, एटम को हम एक्साइट किए, एटम को क्या किए, एक्साइट किए। तो एटम को एक्साइट करने के लिए एटम को पहले हीट एनर्जी सप्लाई किए या कोई भी दूसरा एनर्जी सप्लाई किए, ठीक है, एनर्जी उसका बढ़ गया, अब एनर्जी सप्लाई बंद कर, ठीक है। एनर्जी सप्लाई बंद करने के बाद हम उसको कहाँ ले गए, प्रिज्म के सामने, ठीक है। अब तो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, तो कौन सा एनर्जी रिलीज करेगा, जो पहले वो एब्जॉर्ब किया था, जो पहले एब्जॉर्ब किया था, जो एब्जॉर्ब किया, तो पूरा हम अगर हम व्हाइट लाइट सप्लाई किए थे तो व्हाइट लाइट किए थे तो सेवन में सेवन कलर वो एब्जॉर्ब नहीं किया, जितना भी एटम और मॉलिक्यूल होता है सेवन का सेवन कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, सिर्फ जो ये व्हाइट है ब्लैक कलर का जो भी चीज़ है वो सेवन कलर से एब्जॉर्ब करता है, जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वही सेवन कलर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना, और सेवन कलर रिलीज भी करता है। बाकी दुनिया में कोई बॉडी नहीं है जो सेवन का सेवन कलर एब्जॉर्ब करता है, समझे बात है। तो वो जो एटम या हम मॉलिक्यूल लिए हैं कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, ठीक है, और जब हीटिंग बंद कर दिए या एनर्जी सप्लाई बंद कर दिए तब जो एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया वो इसी को ना रिलीज करेगा, और जो रिलीज करेगा वही ना प्रिज्म से पास करेगा, और प्रिज्म से पास करने के बाद स्क्रीन पर आएगा। तो स्क्रीन पे कौन कौन दिखेगा, जो ये रिलीज किया, और कौन सा रिलीज किया होगा, जो एब्जॉर्ब किया, तो सेवन कलर तो नहीं दिखेगा, सेवन कलर दिखेगा, जो कलर रिलीज किया वो दिखेगा, जो कलर रिलीज नहीं किया वहाँ वहाँ ब्लैक ब्लैक लाइन आएगा, यानी ब्लैक लाइन जहाँ आ रहा है वो एब्जॉर्ब एनर्जी जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, हम तो सेवन कलर सप्लाई किए लेकिन सातों कलर वो एब्जॉर्ब नहीं किया, कुछ कलर को एब्जॉर्ब किया, जो वेवलेंथ उसके काम लायक था वो एब्जॉर्ब किया, जो वेवलेंथ उसके काम के लायक नहीं है वो एब्जॉर्ब नहीं किया। आए बस समझ में, सेवन में सेवन कलर सिर्फ एक ही एब्जॉर्ब करता है, वो है ब्लैक बॉडी, पहले डिस्कस कर चुके हैं। और एक बॉडी ऐसा होता है जो कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं करता, वो वाइट, वाइट बॉडी सेवन में से सेवन किसी को एब्जॉर्ब नहीं करता है, सबको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी सेवन में सेवन एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब एनर्जी सप्लाई बंद करते हैं तो फिर वो रिलीज कर देता है सेवन का सेवन कलर, ठीक है। और वाइट क्या करता है, किसी को एब्जॉर्ब भी नहीं करता, जैसे ही उस पर पड़ेगा रिफ्लेक्ट करके विदाई कर देगा, वहीं से जाओ भाई वापस, समझ गया ना। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर बाउंड्री दिख रहा है, देख रहे हो ना,
कलरफुल दिख रहा है और बीच बीच में सब देखो सब कलर का देखो बाउंड्री है, स्पेसिफिक बाउंड्री है कौन एक कलर जहाँ शुरू हुआ है कहाँ खत्म हो रहा है ये हमको दिख रहा है। यहाँ देख लो ये जो सैंपल है एक्साइटेड सैंपल लिखा हुआ है ना, यहाँ एक्साइटेड सैंपल जहाँ पर मेरा फिंगर है वहाँ एक्साइटेड सैंपल लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ पहले से उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर दिया, हीट एनर्जी सप्लाई करके उसको हम हाई एनर्जी स्टेट में पहुँचा दें है कि नहीं है। किसी को 2 रुपया भी नहीं है उसको 1 करोड़ रुपया दे दिए तो एक्साइट हो जाएगा, उसके बाद तुरंत वो रिलीज करने लगेगा जैसे ही पैसा देने बंद करेंगे हैं, आई बात समझ में, वैसे ही इसको एनर्जी दे दिए हैं 1 करोड़ रुपया के बराबर तो उछल कूद मचाएगा क्यों हैं। ठीक है, जैसे ही इसको पैसा मिलना बंद होगा, पैसा आ गया है रिलीज करना शुरू कर दिया, ये एनर्जी रिलीज करना शुरू किया तो इससे जो एनर्जी निकला उसको एक स्लिट के सहारे आगे बढ़ाए, स्लिट समझते हो, ताकि स्लिट क्या काम क्या है कि एनर्जी बहुत सारे डायरेक्शन में रिलीज होता है तो सारे डायरेक्शन के एनर्जी को आगे बढ़ने नहीं देना, जो स्ट्रेट लाइन में चढ़ रहा है सिर्फ उसको हम भेजेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर एक स्लिट का इस्तेमाल किया, उससे एक स्ट्रेट लाइन प्रिज्म पर चला गया और प्रिज्म में जाने के बाद डिस्पर्शन हुआ और डिस्पर्शन को हम एक स्क्रीन के ऊपर ले, डिस्पर्शन को हम क्या किया स्क्रीन के ऊपर ले लिया तो स्पेक्ट्रम मिला, वो इसी स्पेक्ट्रम को हम यहाँ अलग से दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम मिला ना उसको हम यहाँ पर अलग से दिखाया गया है, तो कुछ कलर दिख रहा है कुछ ब्लैक दिख रहा है, जो कलर है दिख रहा है मतलब ये एक्साइटेड सैंपल जो है उस एनर्जी को रिलीज किया है, उस एनर्जी को रिलीज किया तो जो एनर्जी रिलीज हुआ वो यहाँ दिख गया, इसलिए ये कहलाता है इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो कलर देख रहे हैं जो कि इमिट हुआ है, एनर्जी रिलीज हुआ है, आगे आवाज समझ में क्लियर, और बाकी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक का मतलब है कि उस रेंज का एनर्जी इसके पास नहीं है, ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना बाउंड्री के अंदर ब्लैक ब्लैक भी दिख रहा है तो ब्लैक का मतलब है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी इसके पास नहीं है, आगे आवाज समझ में क्लियर अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमिशन स्पेक्ट्रम, अब यहाँ पर दूसरे में है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अब क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट नहीं रखे हैं, एक्साइटेड सैंपल है ना तो वो जो एटम या मॉलिक्यूल है खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है, एक्साइट है ना, इमिशन स्पेक्ट्रम कब मिलता है जब एटम और मॉलिक्यूल खुद एनर्जी रिलीज कर रहा है उस समय हमको इमिशन स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है ना, और जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है हम लोगों को सोर्स ऑफ लाइट की भी जरूरत है, सोर्स ऑफ लाइट है उसको आगे भेजे। ठीक है, यहाँ पर कंपाउंड रखा हुआ है, ये देख रहे हैं गोल ऐसा, इसमें क्या रखा हुआ है कंपाउंड रखा हुआ है, एटम मॉलिक्यूल्स रखा हुआ है यहाँ पर, तो एनर्जी जो है लाइट एनर्जी इससे पास हुआ, आगे स्लिट रखा हुआ है ताकि रेज ऑफ लाइट जो है स्ट्रेट जाए, तो इसमें जो सैंपल रखा हुआ है, सैंपल मतलब यहाँ पर कंपाउंड है एटम्स है मॉलिक्यूल्स है समझ गए, तो उससे लाइट पास होगा, ये 7 कलर हम दे रहे हैं यहाँ से मतलब वाइट लाइट सप्लाई कर रहे हैं, वाइट लाइट इससे पास हो रहा है तो हमको 7 कलर मिलना चाहिए डिस्पर्शन के बाद मिलना चाहिए ना, क्योंकि हम वाइट लाइट सप्लाई कर रहे हैं, नहीं मिल रहा है ना, नहीं ना मिला, क्यों नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हाँ एब्जॉर्ब हो गया 7 में से कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गया, ये जो कंपाउंड यहाँ रखा हुआ है ये कंपाउंड क्या किया है कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, कोरस्पॉन्डिंग सब कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है एब्जॉर्ब हो गया, जो एब्जॉर्ब हो गया तो यहीं रह गया, जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ना आगे बढ़ा वो पहुँच गया प्रिज्म में, तो प्रिज्म उसको स्प्लिट कर दिया अरेंज कर दिया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में, उसको हम लोग स्क्रीन पर लेते हैं तो ऐसा आ रहा है, तो जो एब्जॉर्ब हो गया वो ब्लैक दिखेगा और जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो कलरफुल दिखेगा, तो देखो ये सब कलरफुल है, इधर सबका अपना बाउंड्री है, यहाँ देखो ब्लैक है और बीच बीच में भी ब्लैक ब्लैक लाइन है ना, मतलब वो ब्लैक ब्लैक लाइन जितना है वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो गया है, ब्लैक ब्लैक लाइन जो इसमें दिख रहा है ना वो सब एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुका है, क्योंकि हम यहाँ पर 7 कलर्स दे रहे हैं,
है ना, सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पर, यहाँ पर और सैंपल खुद एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा, यहाँ पर हम सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी व्हाइट लाइट, लेकिन हमको सेवन कलर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना, लाइट ऑन कर, सेवन कलर हमको नहीं मिल रहा है, कुछ ही कलर मिल रहा है, जो कलर नहीं मिल रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एनर्जी लेवल क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है ना, आया बात समझ में, क्लियर। तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम मिला ये इमिशन स्पेक्ट्रम हुआ, क्योंकि इससे हम पता लगाएं कि कौन कौन सा एनर्जी लेवल एब्जॉर्ब हो गया। अब तुम दोनों को देखो, ऊपर वाला क्या है इमिशन स्पेक्ट्रम और नीचे वाला एब्जॉर्प्शन। अब देखो ये एब्जॉर्प्शन में जहां जहां ब्लैक दिख रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां जहां ब्लैक दिख रहा है वहीं वहीं यहां पर कलर दिख रहा है, समझ गया ना। सेम सैंपल से किए, पहले हम यहां पर सप्लाई करके इसको एक्साइट कर रहे हैं, अब बाद में हम ये सप्लाई सोर्स ऑफ लाइट हटा लेंगे तो एनर्जी ये रेडिएट करना शुरू कर देगा। अभी सेवन कलर जा रहा है तो जो जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ वो यहाँ नहीं दिख रहा है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो हमको दिख रहा है, तो एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया। आगे आगे ये सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया, क्योंकि हम यहाँ पर वो चीज़ देख रहे हैं जो एब्जॉर्ब हो रहा है, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसका कलर दिख रहा है हमको, है ना। अब ये सोर्स ऑफ लाइट बंद कर दे, ये स्पेक्ट्रम खत्म हो जाएगा, ये वाला स्पेक्ट्रम। जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट यहाँ हटाएंगे तुरंत में ये स्पेक्ट्रम गायब, और ऊपर वाला स्पेक्ट्रम इसके जगह पर डेवलप कर देगा। पहले सोर्स ऑफ लाइट यहाँ से हटा देंगे, सोर्स ऑफ लाइट जैसे हटाएंगे इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, जो इसके पास एनर्जी है वही रिलीज होगा, नहीं जो एब्जॉर्ब किया वो रिलीज होगा, जो एब्जॉर्ब किया वो तब रिलीज करेगा नहीं, तो जो जो यहाँ पर ब्लैक दिख रहा है वही ना एब्जॉर्ब किया है, इसलिए देखो उसमें अब जो स्पेक्ट्रम आ जाएगा ऐसा आ जाएगा ऊपर वाला इमिशन स्पेक्ट्रम, तो जहाँ जहाँ यहाँ पर ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ देखो कलर दिख रहा है, और जो जो यहाँ कलर था वह वहाँ ब्लैक हो गया, तो समझ में आया हाँ। तो इसको बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि लाइन के जैसा है ना, बाउंड्री डिफाइन है, इसका मतलब एटम्स मॉलिक्यूल्स एनर्जी जो एब्जॉर्ब करता है डेफिनेट क्वांटिटी में, रिलीज करता है डेफिनेट क्वांटिटी में, ठीक है ना। तो एटम का ही ऐसा स्पेक्ट्रम आएगा दुनिया में, और किसी चीज का ऐसा स्पेक्ट्रम नहीं, और दुनिया में हर एटम का जो स्पेक्ट्रम देख रहे हो यूनिक होता है, किसी से नहीं मिलता है, जैसे हम लोगों का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है उसी तरह से एटम के लिए ये स्पेक्ट्रम यूनिक होता है। हाइड्रोजन का हीलियम से नहीं मिलेगा, हीलियम का सोडियम से नहीं मिलेगा, सोडियम का पोटेशियम, मतलब एक पर्टिकुलर एटम का स्पेक्ट्रम दुनिया में जितना भी एटम है किसी से नहीं मिलेगा, एकदम यूनिक, ठीक है ना। ये स्पेक्ट्रम आने के वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स का डिस्कवरी हुआ, जैसे सन में हीलियम है कैसे पता चला, स्पेक्ट्रम से, सनलाइट, हम सन के पास आज तक नहीं जा पाए, कैसे खोज लेते, खोज कैसे लिए, ये जो आया ना सनलाइट जो आ रहा है हमारे पास इसका स्पेक्ट्रम हम यहाँ तैयार कर रहे हैं, तो एकदम यूनिक स्पेक्ट्रम कुछ नज़र आया, उसको स्टडी किया गया तो पता चला कि तो वहाँ पर एक नया गैस है जो हीलियम है, तब पता चला सन के पास हीलियम भी है हाइड्रोजन भी है, यही स्पेक्ट्रम के वजह से यूनिक होता है ना। अगर ये यूनिक नहीं होता तो हीलियम का खोज नहीं, पता नहीं चलता कि सन के पास हाइड्रोजन है और हीलियम है, हम लोग यही समझते क्या है नहीं कैसे लाइट आते रहे हैं, स्पेक्ट्रम से सनलाइट का स्पेक्ट्रम निकालते हैं, तुम्हारे पास वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है, करोड़ों करोड़ों रुपये में इंस्ट्रूमेंट मिलता है, ठीक है, जब इंजीनियरिंग पढ़ोगे तब वो सब यहाँ नहीं कुछ मिल रहा है ना, अभी खास करके IIT NIT वगैरह हम पढ़ोगे तब समझ गया कि नहीं, तब वहाँ ये सब एक्सपेरिमेंट करने मिलेगा देखने को मिलेगा, नहीं तो ऐसे फोटो देखते रहना सब जैसे हम देख रहे हैं, हाँ समझ गए कि नहीं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है बहुत सारे एलिमेंट के डिस्कवरी में, बहुत सारे एलिमेंट इस दुनिया में पड़ा है हमको पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि तो केमिकल रिएक्शन उसका करवा नहीं पा रहे थे, लेकिन स्पेक्ट्रम से पता चल गया कि और भी एलिमेंट, समझ गया ना।
आगे बात समझ में, यही जो है इसी के लिए हम उसको इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस, इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस नहीं है, रेनबो कंटिन्यूअस है ना, इसीलिए हो गया डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इसलिए बोले क्योंकि ऐसा एटम के अलावा और कोई दुनिया में नहीं दे सकता है, इसीलिए इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम बोलते हैं क्योंकि डिफाइन बाउंड्री है, लाइन लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये दो तरह का होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और इमिशन स्पेक्ट्रम। जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब एनर्जी रिलीज हुआ तो इमिशन स्पेक्ट्रम, इतने तरह का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो इससे प्रूफ होता है कि एनर्जी जो एब्जॉर्ब होता है या रिलीज होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी में होता है, डेफिनेट क्वांटिटी में एब्जॉर्ब होता है और डेफिनेट क्वांटिटी में रिलीज होता है। आई बात समझ में क्लियर। ये हो गया एविडेंस ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी, समझ में आ गया, एविडेंस फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी आ गया। इसी के आधार पे जो है बोर्स ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन के पास डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है और इसीलिए वो पर्टिकुलर डेफिनेट सर्कुलर पाथ पर घूमता है, इसी के आधार पे वो, इसलिए इसको हम पहले पढ़ेंगे तब बोर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। आ गया समझ में।